सर, तो आई एम सॉरी, देयर वाज वन इंपॉर्टेंट कॉल सो आई हैड टू अटेंड. ओके, नहीं कोई नहीं. सो मैं क्या कह रहा हूँ कि चारों तरफ जो अपन इस समय नेगेटिविटी का माहौल ले आए हैं वो बहुत ही भयावह है. शायद हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं. बिल्कुल. खेती में जो है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड की ओवरडोज के कारण अब मिट्टी के ऊपरी सतह पर भी केमिकल पहुंच गया है. हाँ, और उसको जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर नीचे ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है, एवोपरेट होकर ऊपर पहुंच रहा है. तो जो एडज्वाइनिंग एरियाज हैं जहां पे ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है वहां पे एसिड रेन होने लगी है. बिल्कुल सही. अच्छा, दुष्टता हमारी अकेली फर्टिलाइजर एंड उसके ही नहीं खत्म हो रही है. हमारी दुष्टता जो है, हम लोग इतने लालची हो गए हैं कि जो पैसा अपने साथ नहीं जाएगा उस पैसा को हम मालूम नहीं क्यों बटोरना चाहते, किसके लिए बटोरना चाहते हैं. सही बात. आप जो है ना यदि मकान खड़ा करते हैं तो यहीं रह जाएगा ना वो. बिल्कुल बिल्कुल. आप बिल्कुल, जो है ना नंगे हाथ आए हैं, नंगे हाथ ही जाएंगे. आपके बिल्कुल, हाथ का एक बिल्कुल, धागा, बिल्कुल, आपके बदन का एक धागा भी आपके शरीर पे नहीं रह जाएगा. नहीं जाएगा. राइट. तो ये मरघट का ज्ञान या शमशान का ज्ञान जाने क्यों हम लोगों को समझ में नहीं आता है. हम किस मृग तृष्णा में फंसे हुए हैं, हम क्या किस माया में फंसे हुए हैं. हमें अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए. वो आनंदमय तो बहुत दूर है, हम उसे विषाक्त बना रहे हैं. देखिए, अधिकांश लोग जो है जो दूध पैदा कर रहे हैं वो अपनी गायों भैंसों बकरियों सभी को जो है हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं. राइट. मुर्गियों में जो पोल्ट्री फॉर्म वाले हैं वो मुर्गियों में इंजेक्शन लगा रहे हैं. राइट. सही बात है सर, बिल्कुल. अच्छा, जो फल सब्जियों में लगा सकता है वो फल सब्जियों में लगा रहा है. बिल्कुल सही उसे बात. आप रंग रहे हैं, बैक्स लगा रहे हैं. और कुछ दुष्ट चाइना के लोगों ने तो जो है नकली चावल नकली जो है पूजा करा दी है. बिल्कुल. और आई डोंट नो उनकी दुष्टता और टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है कि उसमें उन्होंने टेस्ट भी बोल ले आया है. अच्छा. मुझे नहीं मालूम कि आपको ज्ञात है कि नहीं है कि कुछ वर्ष पहले देवास में एक शुद्ध घी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी. और उस शुद्ध घी की फैक्ट्री में एक बूंद भी जो है असली दूध नहीं था, असली घी नहीं था. असली घी नहीं था, एक बूंद भी. बिल्कुल सही. नॉट इवन ए ट्रेस. तो जी, हम और इसके बाद जो हम केमिकल्स पे घर में यूज कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन में यूज कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में. अब देखो, स्पेशली आपके समाज में देखिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और जो है का ज्यादा यूज जो है पंजाबियों और सिंधियों में ज्यादा है. डू एग्री विद दिस? हैं, आजकल तो सभी समाज में हो गया, बट ये पहले से ही कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं. अब आप ये देखिए कि जो हमारी नई महिलाएं हैं वो दो चार पांच दस साल में भी यदि ब्यूटी संसाधन का यूज ना करें तो शायद हमें उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा. राइट. सही कह रहे हैं. मतलब इतना खराब हो गया है, खराब. इट इज हैविंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द जो है ना फेस. स्किन खराब हो रही है, लॉट मैनी स्किन डिसीजेज आर कॉजिंग जो. और अच्छा है, आप डॉक्टर को इंटरप्ट कर रहा हूँ. मेरी वाइफ ने आज तक कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज नहीं किए क्रीम के अलावा. आज भी 60 ईयर्स की है वो, बट उसको ऐसा लगता ही नहीं है हमें कि ये कुछ मेकअप या वो करती है. स्किन ऐसी है कि सर आज के बच्चियों के लिए. हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो आप ये देखेंगे कि यदि आप अपनी पत्नी को और बाकी एडज्वाइनिंग महिलाओं को यदि कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा. बिल्कुल. मतलब आज भी जो है मैडम पंजवानी जो है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो है वो अपने उम्र की महिलाओं से ज्यादा सुंदर और यंग दिखती हैं. चलिए, अभी जो विषय था वो ये था कि हम जो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/3 मिल्क ही पैदा हो रहा है. राइट. बिल्कुल. तो 2/3 मिल्क, 66% मिल्क जो है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है. राइट. तो ये 66% मिल्क जो है वो केमिकल ओरिजिन से नकली बनाया जा रहा है. आप जो मिठाइयां खा रहे हैं, और आजकल मिठाइयां बहुत महंगी बिकने लग गई हैं, तो वो सब जो है इसी नकली प्रोडक्ट से बन रही हैं और सभी जो है जहरनुमा है. राइट. दे आर ऑल कार्सिनोजेनिक इन नेचर. राइट. इसके बारे में एक रिसर्च हुई है जो ये कह रही है कि यदि 4 साल तक लगातार हम ये केमिकली मेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा. कैंसर हो जाएगा. राइट.
इसका मतलब है कि आने वाले 4-5 साल में हमारी 66% जो है ना पॉपुलेशन वो कैंसर से सफर करेगी। 66% मतलब हर 3 में 2 आदमियों को कैंसर होगा, राइट? और 1 आदमी उसे अटेंड करेगा, तो आपकी पूरी पूरी पॉपुलेशन कैंसर रिलेटेड जो है ना चीजों से घिरी होगी। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सर। तो जिसको कैंसर होगा उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसका जो है ना साइकोलॉजिकल स्थिति क्या होगी, व्हाट इम्पैक्ट इट विल ब्रिंग ऑन हिज ओन प्रोडक्टिविटी, अपना खुद का जो वो कमा रहा है वो तो जमीन में घुस जाएगा, राइट? जो उसको सपोर्ट कर रहा है वो आपको सपोर्ट करने वहां पहुंचे या कमाए? तो यदि वो कमा नहीं पाता है तो मोदी जी के 5 लाख रुपए तो जो है ना पर्याप्त नहीं रहेंगे, रहेंगे क्या? नहीं, मेरे ख्याल से वो 5 लाख रुपए पर्याप्त नहीं होंगे, राइट? नहीं होंगे। तो हम एक ऐसी बेहाल स्थिति में चले जाएंगे कि जो कंट्री विश्व गुरु और विश्व नेतृत्व में स्थापित होने की स्थिति में है उसको एकदम हम जो है ना चारों तरफ से कैंसर से घेर लेंगे। जो इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में चारों तरफ से विष आपको परोस रहे हैं। ये जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो डिफरेंट मीडिया से आपको दिया जा रहा है वो जो है इट इज उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आप ये देखिए, अच्छा वीडियो है तो वो कहते हैं कि अभी जो है ना यूट्यूब में कम्युनिटी गाइडलाइन को कंफर्म नहीं कर रहा है और उसको वो डिलीट कर देते हैं। हाँ। ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन को सूट कर रहा है, इसको क्यों डिलीट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर, सही बात है। आप मैंने जो कोरोना के बारे में रिसर्च की थी कि नींबू की रस से कोरोना वायरस मर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को 4 पत्र लिखे थे कि तो कैसी लॉबी है, उसमें 3-4 जो है ना वीडियो इन्होंने डिलीट कर दिए कि कम्युनिटी पॉलिसी को जो है ना कंफर्म नहीं कर रहा है। मतलब एक अच्छी चीज कि नींबू के रस से आप कोरोना वायरस को मार सकते हैं, नींबू के रस से जो है आपको जो है यदि 4-5 दिन पुराना भी कोरोना है तो उसको भी वो आप निपटा लेंगे, उसकी पूरी फिलॉसफी है, आप उसको वीडियोस को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी। मतलब ये है कि चारों तरफ के फोर्सेस दुष्टता लिए हुए हैं, उन्हें नींबू के रस से कोरोना के इलाज में आपत्ति है। पीआईबी ने बिना वेरीफाई किए इसको फर्जी बता दिया कि कोरोना का रस जो है ना ये तो नींबू का रस तो बहुत घातक है, ये तो कोरोना से भी घातक है। नींबू के रस से जो है एक व्यक्ति भी नहीं मरा है, राइट? और मरने का कोई कारण भी नहीं है। इन्होंने एक फर्जी जो है वीडियो जारी करने की कोशिश की थी। एक टीचर था जो कि कर्नाटका में, उसको बताया कि साहब उसने नींबू का रस लिया और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो मुझे लगा कि तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो आई गॉट इन टच विद द फैमिली। फिर वहां के लोगों ने मुझे बताया कि सर यहाँ के तो अखबारों में बहुत जोर से पूरी बात छपी हुई है कि वो व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर था और उसकी हार्ट अटैक से डेथ हुई है, और ये बात उसकी पत्नी ने, उसके भाइयों ने कई जगह की है जो कि काफी प्रोमिनेंटली छपी है। तो एक आदमी कर्नाटका में मर गया है, ये तो सोशल मीडिया से लेके हर जगह वायरल कराया गया, राइट? लेकिन वो झूठा है, ये किसी ने को नहीं मालूम है। तो आपके पास एक भी नेगेटिव केस नहीं है जिसमें कि लेमन के जूस से कोई नुकसान हुआ। हाँ. इसी बात से को सिद्ध करने के लिए आपको ताज्जुब होगा कमल कि मैंने 90 दिन तक लगातार नींबू का रस सेवन किया खुद, मतलब नाक से डाल के। अच्छा। हाँ, 90 दिन लगातार। और मैं अपने आप को ये सिद्ध करना चाहता था कि क्या इसका कोई नेगेटिव असर होता है क्या? होता है क्या? और हमने उसमें ये पाया कि नेगेटिव असर तो बहुत दूर है। हम खांसी, आपका जो है अस्थमा या इससे रिलेटेड आपका जो ब्रीदिंग एक्सपीरियंस है वो बदल गया, सांस लेने का जो एक्सपीरियंस है वो बदल गया, रात की नींद जो है ना गहरी और अच्छी हो गई। इसका मतलब ये है कि ये गले के लिए थोड़ा वो रहता है, कुछ नहीं रहता है, ये सब भ्रम है। केवल जब आप नाक में डालते हैं तो कई शुरू में 1-2 बार आपको हल्की सी चिनचिनाहट हो सकती है जो कि 5-10 मिनट में सबसाइड कर जाएगी, और जो गले में जो भी लग रहा है वो अच्छा है, उसको आप भूल जाइए। यदि आपको दिक्कत भी हो रही है तो 2-2 बूंद उसके साथ घी का रस भी डाल लीजिए नाक में। ओके। घी को डालेंगे तो उससे वो सबसाइड हो जाएगा। ज्वाइंट पेन में सर ये नींबू अगर पियो तो बढ़ जाता है? कुछ नहीं बढ़ता है, आप करके देख लो ना। ओके। देखिए, अल्टीमेटली हर चीज क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू होती है ना। यदि आपको जो है ना दर्द है, नींबू डाल के देखिए आपका दर्द बढ़ रहा है या गायब हो रहा है।
एक जर्मन रिसर्चर्स ने मुझे बताया है, जैसे मैं इंडिपेंडेंटली अभी वेरीफाई कर रहा हूं, कि नींबू के रस से जो बेसिलस बैक्टीरिया है वो भी मर जाता है। अभी मैं ये इसको ऑथेंटिकली नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने एंड पे अभी इसको सत्यापित नहीं किया है, लेकिन यदि आप ये देखें तो जो बेसिलस बैक्टीरिया है वो दो तरीके के होते हैं, एक जिससे कि लेप्रोसी होती है और दूसरा जिससे कि टीबी होती है। हमारे कितने लोग जो है जो लेप्रोसी से सफर कर रहे हैं, कितनी दैनिक जिंदगी वो जी रहे हैं, कितने लोग जो है जो टीबी से सफर कर रहे हैं वो जो है ना कितनी महंगी और इतनी मल्टी ड्रग थेरेपी का यूज करते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, और ये पूरी लॉबी जो है ना उन्हें आपके शरीर की हानि से तो कोई लेना देना नहीं है कुछ, तो आपकी वो ऐसी कम तैसी करने में लगे हैं। बहुत जल्दी इस तथ्य को जो है साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि लेमन के रस से हम लेप्रोसी और टीबी को भी दूर कर सकते हैं, राइट। हाँ, और चूंकि ये लंग्स से रिलेटेड होता है तो भी स्ट्रांगली रिकमेंड के दो बूंद डालने के साथ साथ जो है एक गिलास दो गिलास पानी को जो कि आपका स्टीमर है उसमें डाल दीजिए, और उसमें दो बूंद जो है सॉरी नॉट दो बूंद दो जो है पूरे नींबू के निचोड़िए, तो हाँ, और उसकी भाप लीजिए, तो भाप के साथ में जो है ना नींबू का रस अंदर पहुंच जाएगा, तो जहां कहीं उसको जो है ना कोरोना वायरस मिलेगा, जहां कहीं उसको जो है ना बेसिलस बैक्टीरिया मिलेगा वो सबको निपटाता रहेगा, राइट। और जिसके पास एक्टिव हो वो ये सब दवाएं लेते रहे जो भी बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना दिन में दो बार ये काम भी करने लगे। वो कह रहे हैं कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ 1 महीने में ही ठीक हो जाएगा। मेरी बिटिया को भी है सर लंग्स की। हाँ हाँ, अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि इसके पहले कि ये दुष्टता चले हमें जो है ऑर्गेनिक एक इंटीग्रेटेड उसमें जाना चाहिए, और हमें अपने खाद्यान्न को से लेकर हर चीज को अब केमिकल मुक्त यदि हम नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन कैंसर रिलेटेड अफेयर में उसे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हूं। तो इसमें जो है हम एक CFB मॉडल लाए हैं, मॉडल ऑफ अबंडेंस, उसमें हमने कॉस्ट पार्ट को जो है लॉर्ड शिवा के गले में रख दिया है, राइट, उसका एक पूरा मॉडल है। तो आपकी जो चीजों पर कॉस्ट जो है ना नहीं पहुंचेगी, कॉस्ट जो है वो डिफरेंटली पहुंचेगी जिसको लंबे समय में सेटल किया जाएगा। तो किसान को जो है बिना किसी कॉस्ट के इंक्लूडिंग लेबर कॉस्ट के, जबकि उसके यहां पर जो है सैपलिंग भी पहुंचेंगी वो भी मुफ्त में पहुंचेंगी, मतलब उसकी कॉस्ट दूसरी जगह पर जाएगी, उसके जो है ना गाय के लिए सेट लग जाएंगे, गाय के लिए जो है गाय खुद पहुंच जाएंगी, तो इस तरीके का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है, राइट। क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि आपने क्राइम फ्री भारत क्या सब्सक्राइब किया अब तक? नहीं किया है? नहीं, नहीं किया। नहीं किया है तो अभी आप YouTube चैनल पे अभी जाइए आप, और उसमें क्राइम फ्री भारत लिखिए तो आपको मेरा फोटो वोटो दिख जाएगा, तो आपको ये पहचानने में दिक्कत नहीं होगी कि वो मेरी जो है ना चैनल है, राइट जी। और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अभी जो है पिछले एक सप्ताह में जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, लेकिन धैर्य के साथ उन्हें खुद भी देखिए, और जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड लॉबी में लोग हैं उनको दिखाइए। फिर हम ये चाहेंगे कि हमें जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है ना क्राइम फ्री भारत के लिए डिजाइन करना है, आई वुड लाइक टू टेक योर एक्सपीरियंसेस सो दैट हमारे मॉडल में कोई फॉल्ट ना रह जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये आप बताइए जो है ना, हम 2-3 दिन का समय देना चाहते हैं कि पहले आप इन चीजों को स्टडी कर लें, और फिर हम एक जो है ना लाइव सेशन अपन रखेंगे जिसमें अपन बातचीत करेंगे, रिकॉर्डेड बातचीत होगी वो, ठीक है ना। तो दैट विल बी अवर थिंकिंग। इसमें जो है तब तक आप चीजों को लोगों तक पहुंचा लो, उनसे बात कर लो, वी विल डू दैट, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, राइट सर। तो मैं एक तो सब्सक्राइब करता हूँ सर। एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपनी जो है ईमेल आईडी भी मेरे पास शेयर कर लीजिए, नंबर वन। ठीक है सर। नंबर टू जो है मैं आपको एक मीटिंग का अभी मीटिंग शेड्यूल कर देता हूँ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितने दिन की बात की चाहते हैं आप बताइए। मैं सर अभी 30 तक थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अपन ऐसा करते हैं इसको 5th जो है अक्टूबर की शेड्यूल, ठीक है ना, ठीक रहेगा सर। तो आपको समय कौन सा सूट करता है सर? कोई भी सर, नहीं सुबह 12 बजे के बाद कभी भी।
हम इसको जो है 12 बजे का ही रख लें। हाँ 12 का रख सकते हैं सर। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को 12 बजे हम लोग जो है ना इस बारे में चर्चा करेंगे, और बाद में जो अपन जो भी चर्चा करेंगे वो ऑन रिकॉर्ड जो है ना चली जाएगी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे, जिससे जो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में ये बात नहीं है, ये एनर्जी है और हम इस एनर्जी को फ्लो करना चाहते हैं जिससे कि सब तक ये पहुंचे, क्योंकि आप कितने लोगों को वन टू वन बात कर पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, कितने लोगों की हिम्मत होगी कि वो डीजीपी साहब को जो है ना फोन लगा पाएंगे, राइट? लगा पाएंगे, राइट। तो इसको सुन के जो एनर्जी उनके पास पहुंचेगी, यदि उनका ये क्षेत्र होगा तो वो उससे तत्काल जुड़ जाएंगे। तो जो भी इस वीडियो को सुनता है उससे मैं अनुरोध करता हूं कि यदि वो क्राइम फ्री भारत उसने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करे, उसके वीडियो को देखे, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम 5 साल में कैंसर शब्द को जो है भारत से विलोपित कर देंगे। और उसका 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 बहुत सिंपल रीजन है कि कैंसर एक बीमारी है ही नहीं, है कैंसर ही ना तो किसी वायरस से होता है ना ही किसी बैक्टीरिया से होता है। कैंसर का जो जनक कारण है हमारा अपने सेल अपने बॉडी के प्रति केमिकल रूपी विभिन्न जो है ना कारणों से, जिसमें कि हार्मोन्स भी सम्मिलित हैं, हम जो उसके प्रति अत्याचार कर रहे हैं, ईश्वर के द्वारा बनाई गई इतनी अच्छी जो है ना सेल वो भी कंफ्यूज हो जा रही है और वो ओवर ग्रो करना चालू कर दी है। तो जैसे ही हम पॉजिटिव फैक्टर्स को गायब करेंगे ये कैंसर ऑटोनोमस डिसीजेज वो स्वतः डिसअपियर हो जाएंगे, उनके लिए ना तो किसी केमोथेरापी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि जो एडवांस स्टेज में है जिनकी सेल ऑलरेडी कंफ्यूज हो चुकी है उसको हम ठीक करने में स्थिति में नहीं रहेंगे, तो कोई भ्रम में ये करना काम ना करेगा जो कीमोथेरापी करा रहा है फलाना करा रहा है उसको छोड़ दे, ऐसी दुष्टता यदि वो करेगा तो उसके लिए जीरो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दुष्टता नहीं करना है, वो जो जो ट्रीटमेंट ले रहा है वो लेता रहे, यदि पॉजिटिव फैक्टर चला गया और आपकी सेल नॉर्मल बिहेव करने लगी तो तब तक आप जो कर रहे हो करते रहिए, क्या दिक्कत करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं चाहे कीमोथेरापी ले रहे हो चाहे वो जो है रेडियो वो ले रहे हो तो रेडिएशन ले रहे हो, वट एवर यू आर टेकिंग, राइट। एंड आई विल सजेस्ट कि ऐसे लोग साथ में जो है व्हीट ग्रास जूस जरूर लें, ग्लोए जरूर लें, तो जो हम रेडियो थेरापी के माध्यम से कीमोथेरापी के माध्यम से जो इस शरीर पे और अपन अत्याचार कर रहे हैं उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम से कम कुछ तो न्यूट्रलाइज होगा। तो आज के जमाने में भी जो कैंसर से सफर कर रहा है लेट हिम कंटिन्यू विद द फुल एलोपैथिक वट एवर द ट्रीटमेंट इज बीइंग रिकमेंडेड बाय इन डॉक्टर्स के द्वारा, मैं हेजिटेटिंगली कह दूंगा कि दुष्ट डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि हम रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा दैट ट्रीटमेंट मस्ट कंटिन्यू। ठीक है ना, क्योंकि हम उन्हें उन्होंने हमें उस जगह पे ऑलरेडी पहुंचा दिया है, राइट। तो उसको अपन लेते रहे, उसके साथ में सपोर्टिव जो है ग्लोए 4 इंच की लेके उसे क्रश करके बॉयल करके डेली लेना चालू कर दें, राइट। और यदि यदि जो है और जो है जो व्हीट ग्रास जूस है उसको लें, क्योंकि व्हीट ग्रास जूस जो है ना इज इक्विवेलेंट टू द ब्लड, तो ये जो है बहुत सा कैंसर को के जो ट्रीटमेंट के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में काम आएगा, राइट। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर जो है गायब हो जाएंगे तो कोई कभी अपन को मालूम नहीं है कब चमत्कार हो जाए कि जो सेल मलायम थी वो कहे कि नहीं अब बहुत हो गया है, अब हम जो है ना फिर से बेनाइन हो जाते हैं, राइट। तो ये इस बात की बहुत संभावना है। हालांकि अपनी चर्चा जो है वो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड फोकस रिलेटेड होगी, ठीक है ना, इट विल बी एक्सक्लूसिवली डेवलपिंग ए ट्रांसपोर्ट मॉडल फॉर क्राइम फ्री भारत एग्रो स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये उसका टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, राइट। तो 5 तारीख 12 बजे, जी सर, 5 अक्टूबर 12 नून को भी आप मीटिंग कहाँ आना है सर, राइट। तब तक आप जिन लोगों को जोड़ सकते हो तो उनको भी आप लिंक शेयर कर दीजिएगा एंड दे कैन एटलीस्ट लिसन एंड टॉक, राइट। जितने लोग सुनेंगे उनको वो उससे लाभान्वित हो पाएंगे, और हमें पूरे ट्रांसपोर्टेशन लॉबी को अपने से जोड़ना होगा जिससे कि हमारी रीच पूरी कंट्री में हो, ठीक है सर। हम जो है ना बहुत सारी नुएंसेस के बारे में चर्चा करेंगे जब हम चर्चा करेंगे जो आपको हमारी पकड़ में दिखाएगा आपको। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं आपको इस भ्रम में नहीं डालना चाहता हूँ कि मेरी कोई पकड़ है मेरा कोई ज्ञान है, दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम सम कॉस्मोस,
ये एग्रो मॉडल एज कम विद इन, इसका डाउनलोड 7 दिन पहले हुआ है, राइट? तो समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द कॉस्मिक पावर. आपको ताज्जुब होगा कि मैं अपना काम नहीं कर पाता हूं, ये फोर्सेस मुझे इतना फोर्स करते हैं कि ये वीडियो बनाओ, ये करो, वो करो. तो कई बार जो मेरे बहुत जरूरी काम होते हैं मैं उनको भी नहीं कर पाता, मैं उनको कर ही नहीं पाता हूं, मेरी उस वहां एनर्जी ही नहीं जाती है. तो ये कोई यदि कॉस्मिक पावर ये करा रही है तो वो तो करा ही देगी. यदि यदि मैथिकल बुक के माध्यम से नहीं कराएगी तो फिर वो कमल जी के माध्यम से कराएगी, किसी तीसरे के माध्यम से कराएगी. बिल्कुल, वो कराएगी, है ना? क्योंकि कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एज इफ इट इज डिवाइन एंड इफ इट डिजाइन इट इज गोइंग टू हैपन, राइट? तो चलिए कमल जी, 5 अक्टूबर 12 5 अक्टूबर को, जी सर. और हम आपको लिंक अभी भेज देंगे, ठीक है ना? जी जी सर, राइट, थैंक यू, नमस्कार.